अपन ने सीखी हैं उनका ही यूज होगा इसमें, डायरेक्टली उनका यूज होगा, किसी में इनडायरेक्टली यूज होगा। हे गाइस, दिस इज आयुष गोरखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये लास्ट पार्ट है पॉलिनोमियल का और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूज आने वाला भी है, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली हर जगह यूज होती है, नाइन्थ के बाद नहीं, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ उसके बाद कहीं भी हर जगह यूज होगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। वैसे तो नाइन्थ क्लास ही बहुत बेसिक है, इसमें जितने मैथ्स के प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे आगे जाके यूज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका पासवर्ड मैं लास्ट में बता दूंगा, मतलब बीच में कहीं बता दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में बेसिकली आठ आइडेंटिटीज तो अभी हैं, अभी अपने को आठ आइडेंटिटीज हैं, आठ आइडेंटिटीज के साथ अपन डील करते हैं। और जब सबसे बेसिक आइडेंटिटीज यही कहलाती है, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हमने कोई याद करना हो तो अपन कैसे करेंगे, एक को याद कर लो बस, माइनस लग जाएगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ठीक है। तो इसे तो अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं, अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे इसको क्वेश्चन करेंगे तो याद भी हो जाएगा अपने को, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये भी बेसिक आइडेंटिटीज में आता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर यही एक्स माइनस वाई आ जाएगा तो यहाँ पे लगता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसे अपन ऐसे याद कर सकते हैं। इसका एक और चीज होती है लिखने की, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर मैं इसका अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स। तो इसको दोनों पार्ट में याद कर सकते हो, मैं जनरली यही याद रखता हूँ, क्यों, क्योंकि इससे मैं इसे निकाल सकता हूँ, इससे ये निकालना मेरे को टफ लगता है, ठीक है। तो मैं इसे याद रखता हूँ, बाकी तुम चाहो तो इससे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसमें भी ये करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अब ये जब माइनस वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स वाई, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है अपने को। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने को फंसा देती है कभी कभी, तो उसको अच्छे से याद रखना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इसका पार्ट ये होता है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज होती है। तो अपन इसके अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और अपन को अपने को इसमें क्या अप्रोच लगाना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सिंपल है, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अपन ने सीखी है उनका ही यूज होगा इसमें, डायरेक्टली उनका यूज होगा, किसी में इनडायरेक्टली यूज होगा। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टेन, तो अपन ने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखी थी ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता था ना। तो अपन यहाँ पे ये लगा देंगे डायरेक्टली, क्या होता था एक्स स्क्वायर मतलब इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स मतलब फोर प्लस टेन एक्स, फोर प्लस टेन कितना हो जाएगा फोर्टीन एक्स प्लस फोर इंटू टेन, ये इंटू क्या मतलब फोर इंटू टेन, फोर इंटू टेन कर देंगे मतलब हो जाएगा ये फोर्टी। तो डायरेक्टली अगर मैं फोर्टी लिख दूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अपना आंसर आ गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू। तो अपन ने एक क्वेश्चन वो देखी थी आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद होगी ना तो इन्हें देखकर डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो मेरे को जैसे आइडेंटिटीज याद है तो मैं डायरेक्टली बता पा रहा हूँ, अगर तुम्हें याद होगा तो तुम भी बता पाओगे, है ना। बहुत ईजी है, ए स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे समझ आया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था और ये चीजें सेम थी, तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि तो यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है वाई मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई बी की जगह पे क्या है थ्री बाई टू मतलब थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर मतलब वाई की पावर फोर और
इसका क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आया समझ कैसे करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा ना, इजी है ना, सिंपल। अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। चलो अगले वाला देखने पर, तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सोचा करो कि क्या चीज कॉमन है इन दोनों में। 95 × 96 को अपने को फैक्टराइज करना है, मतलब सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो अपन ऐसा क्या कॉमन है इन दोनों में, तो अपन अगर इसे ऐसा लेते 90 + 5 × 90 + 6, तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत, सिंपल है, अपने को दिख रहा था कि 90 + 5 और 90 + 6 लिख सकते हैं। हो सकता है ये समझ नहीं आया स्टार्टिंग में, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस कर लोगे ना थोड़े बहुत इस टाइप के, तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि कहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 90 + 5 × 90 + 6, तो ये हो जाएगा। इधर पे आप अपन वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो यहाँ लगाया था। फॉर्मूला क्या था, x + a × x + b = होता है x² + a + bx + ab, यही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² की जगह हो जाएगा 90² + a + bx, a + b मतलब 5 + 6 × x की जगह पे क्या है अपना 90 + ab, a मतलब 5 और 6 5 × 6, ab मतलब क्या था 5 और 6, तो 5 × 6 आ गया। तो अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 = 0 0 प्लस 6 + 5 कितना होता है 11, 11 9 का कितना हो जाएगा 99, तो हो जाएगा 990 प्लस 6 + 5 कितना होता है 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो अपन अगर इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 + 30 कितना होता है 120, डायरेक्ट कर लो 0 0 0 0 9 + 3 12 1 2 पर 1 और 2 ऊपर 9 + 3 = 12 9 + 3 = 12 2 1 ऊपर 9 1 10 11 1 1 ऊपर 8 1 9, तो 9 1 2 0 अपना इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे करना है इसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन स्प्लिट कर लेंगे, 90 को लिख सकते हैं 90 + 5 95 को लिख सकते हैं 90 + 5 96 को लिख सकते हैं 90 + 6, सिंपल अपन ने फिर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा ऐसे कैसे करेंगे अपन, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। सोचा कैसे करना है इसे, इसे भी मिटा दूंगा, चलो मिटा देता हूं। चलो ये भी हो गया अपना, जैसे जैसे कर दूंगा मिटाता जाता, थोड़ा क्या बोझ कम लगेगा। चलो इसे कैसे करेंगे, इसे अपन ये लिख सकते हैं 100 + 4 × 100 - 4, 100 - 4 96 होता है, 100 + 4 96 104 होता है, ठीक है। तो अपने को समझ आया कि 100 + 4 100 - 4 लिख देते हैं। तो अपने को यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख गई, a + b और a - b, ये किसके बराबर होता था, ये होता था a² - b² के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100² - 4² ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100² होता है 1 0 0 0 0, 4² होता है 16। इसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 9 9, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया कैसे करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डरना मत, पहला वाला उसमें हो सकता है तुम्हें अभी समझ नहीं आया, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कर देने क्वेश्चंस को, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे फैक्टराइज करना है, सोचो कैसे करेंगे, पहले कुछ से सोचो थोड़ा सा अपन कैसे करेंगे इसे, फिर मैं बताता हूँ। समझ आया, सोचा कुछ, चलो मैं बता देता हूँ। तो 4y² - 4y + 1 अपने को दिया है 4y² - 4y + 1, तो अपने को अब जो आइडेंटिटीज याद करनी है ना उसको उल्टा लगाना है। अभी तक अपन क्या करते थे, a + b² को एक्सपेंड करना होता तो a² + b² + 2ab लगा देते थे, अपन यहाँ पे उल्टा लगाएंगे। उल्टा कैसे, कि अपने को यहाँ देखना है कौन सा स्क्वायर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ इसमें 2y² लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 1² लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 2 × 2y × 1 लिखूँ तो 4y आ रहा है, हाँ भाई 4y तो आ रहा है। तो ये क्या बन गया, a² - 2ab + b², तो ये क्या होता है a - b² मतलब यहाँ क्या आ जाएगा अपना, ये तो अपना फॉर्मूला था, यहाँ क्या आ जाएगा 2y - 1² तो ये फैक्टराइज होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2y - 1² समझ आया। इन क्वेश्चन में वही चीज है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आने लगेगा कि कहाँ पे कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो प्रैक्टिस करो, आने लगेगा धीरे धीरे, डरो मत, और वैसे इसमें समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना 25x² - 16y²
तो अगर तुम्हें स्क्वायर याद होगा ना तो डायरेक्टली देख के समझ आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखा ये का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y और 5x प्लस 4y। आया समझ, 5x प्लस 4y ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। आ रहा है समझ। चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला सोचो क्या देख रहा है, ये तो इतना बड़ा है भाई साहब, और यहाँ तो माइनस भी है तो ये कैसे समझ आएगा, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। तो मैं देख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या? हाँ तो वही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो बट यहाँ पे माइनस आ गया तो अपने को पता कैसे चलेगा ए बी सी तीनों में से किसमें माइनस है? तो उसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बहुत ईजी है। कुछ भी इसमें जो कॉमन वेरिएबल दिख रहा हूँ मैं, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, कॉमन अल्फाबेट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है Z, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, मतलब जो Z है वो माइनस में होगा। तो कभी भी अपने को पता करना हो कि माइनस में कौन सा होगा तो अपन इन दोनों में मतलब जो भी टर्म्स होंगे उनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, अगर अपन कॉमन कॉमन जो भी वेरिएबल होगा वो हो जाएगा माइनस वाला। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 2ab 2x इंटू 3y प्लस 2bc 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2ca 4y और माइनस 4z इंटू 2x z है ठीक है। चलो तो ये माइनस कैसे पता चला वो समझ आया, जो कॉमन अल्फाबेट होगा उस सब में वो माइनस पता चल जाएगा। बस अब इस सब में पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca टाइप का बन रहा है। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर। आया समझ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है? चलो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउट तो नहीं है भाई, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, बाकी डरना मत, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो अगर अभी नहीं भी बन रहे हैं तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है। चलो अब एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 1 का होल क्यूब तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 का होल क्यूब तो सिंपल है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्या देखा था अपन ने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस बी, भैया मैंने तो ये पढ़ा था। बस ये डायरेक्टली लगा दो, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3 टू द 6x इंटू 2x प्लस 1 ठीक है। आ रहा है समझ? हाँ भैया उनको सब समझ आ रहा है तो वेरी गुड, तुम्हें समझ आना भी चाहिए। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6x का अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 2 होता है 12, x इंटू x होता है x स्क्वायर प्लस 6x का मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6x, 6x इंटू 1 हो जाएगा 6x। तो अपने हो गया एक्सपेंशन का। आया समझ कैसे करना है एक्सपेंशन, इजी है ना, सिंपल अपने को जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें अपन आइडेंटिटी लगा देंगे तो अपने को एक्सपेंशन मिल जाएगा उसका। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो रहा है ना? हाँ होना भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो कुछ नहीं, अपन ने सीखा है x प्लस y प्लस z मान लो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस b प्लस c का होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सीखा था अपन ने। हाँ भैया ये सीखा था, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे है ना इजी। चलो करके देखो एक बार तुम खुद से ये वाला फॉर्मूला लगा के, अरे मेरा चेहरा मत देखो, इसे करके देखो कैसे करेंगे इसे। चलो करके देखते हैं अपना, मैं बताता हूँ क्या होता है। ए स्क्वायर मतलब माइनस 2x, मतलब हाँ माइनस 2x ले लो, चलो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर ऐसा कुछ था ना, तो जब माइनस 4z का होल स्क्वायर लिखना है तो मैं ठीक है उसे करेक्ट कर लेना,
क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा तो ठीक है उसे करेक्ट कर लेंगे। अब भी करा था इससे पहले अपन ये क्वेश्चन ठीक है। चलो तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस टू ए क्या है अपना माइनस टू एक्स बी क्या है अपना फाइव वाई प्लस टू बी सी मतलब ये और ये फाइव वाई इंटू माइनस थ्री जेड प्लस टू सी ए सी ए कितना हो जाएगा माइनस थ्री जेड इंटू माइनस टू एक्स आ रहा है समझ क्या करा मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया हमने डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ठीक है। चलो अब अपने सॉल्व कर लेते हैं इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा टू एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस देख नहीं रहे इसलिए फाइव वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन जेड स्क्वायर माइनस आएगा या प्लस आएगा क्योंकि यहाँ एक माइनस है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा टू टू जा फोर फोर फाइव जा तो इसका एक्सपेंशन समझ आएगा कैसे करेंगे अपन इसका एक्सपेंशन क्लियर है। चलो बढ़िया है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ये वाला पार्ट था कि अपने को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ नहीं अगर तुम्हें फॉर्मूले से याद है तो अपन डायरेक्टली उसे एक्सपेंड कर सकते हैं या उनका यूज करके उसे मतलब फैक्टराइज भी कर सकते हैं कि उसके अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं ठीक है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ये वाला पार्ट होता है। सो फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपको क्वेश्चंस फॉर रनिंग मिलेंगे इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए आपको ये चार क्वेश्चंस करने हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 20 रुपीज मिलेगा। इन चारों क्वेश्चन का जो सही सॉल्यूशन मेरे को इंस्टाग्राम पे डैम करेगा और सबसे जल्दी करेगा उसको मैं 20 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से गूगल पे फोन पे या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करूंगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और पॉलिनोमियल की सीरीज अपनी खत्म हो रही है। आज अपन ने पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको पॉलिनोमियल में कभी भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। और आपको सीरीज कैसी लगी पूरे चैप्टर का हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का तरीका मेरा अप्रोच कैसा लगा उस सबको कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज। इससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा और मेरे को पता चलेगा कि मेरे को कहाँ का इम्प्रूव करना है ठीक है। तो थैंक यू बाय बाय और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ठीक है। चलो।